हेलो एवरीवन, आई एम मोनाली नायक एंड वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज सिद्धार्थ शुक्ला थे किचन के अंदर। मेरे को कोई लड़का अगर खाना पकाता हो तो मुझे बहुत ऐसे दिल आ जाता है, लाइक डायरेक्टली अरहान को छोड़ के बाकी कोई भी हो तो मेरे को ऐसे देखने में बहुत अच्छा लगता है। और वहां पे रश्मि एक दूसरे की टांग खिंचाई, बड़ा मजा आ रहा था तब तक जब तक रजत शर्मा घर के अंदर नहीं आया। बहुत से मैं पहले कल ही बोली थी कि सब कुछ बहुत क्लीन चल रहा है, अच्छा चल रहा है, सब लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह रहे हैं। अभी कुछ ही दिन, मतलब 4 ही दिन बचे इन लोगों के लिए, तो फिर बहुत प्यार से रह रहे हैं। तो बिग बॉस के पेट में थोड़ा सा गुडू गुडू हुआ तो वहां पे उन्होंने लाया रजत शर्मा को। और ये इतनी पुरानी चीजें कुरेद कुरेद के निकाली है, लाइक हम लोग देखे अगर जर्नी तो बहुत से लोगों में बहुत से चेंजेस आ चुके हैं। कोई अच्छे से बुरा हुआ है, कोई बुरे से अच्छा हुआ है, बहुत से चेंजेस आए हैं। तो रजत शर्मा आए हैं और बहुत से पिछली वाली चीजें भी निकाली है, नए भी निकाले, बहुत से बातें निकाले हैं। तो सबसे पहले वो आए रश्मि के पास। रश्मि के चोरी के बारे में तो हम सभी लोगों को पता है। सिद्धार्थ शुक्ला तो वैसे भी टीज कर रहे थे कि बिग बॉस की ट्रॉफी भी कहीं चोरी ना कर दे। रश्मि के होते हुए बिग बॉस ने घर में ट्रॉफी कैसे रखी, ऐसा उनको लगा। तो उनको उनका पहला इल्जाम था कि वो डरपोक है। तो रश्मि का ये कहना है कि वो डरपोक नहीं है, अगर होती तो वो पहले ही चली जाती है, पीठ पीछे डिस्कशन करती है, बातें बोली है उनको। तो मैंने खुद भी देखा है, रश्मि ने बहुत से बार पीठ पीछे डिस्कशन की, बहुत से बार, हमेशा पीठ पीछे बातें की। और सामने से शुगर कोटेड बातें उन्होंने बहुत से बार की है, बस एंड एंड में, मतलब अभी हम देखे तो कुछ हफ्तों से उनका गेम थोड़ा चेंज हो गया। अभी वो सामने बातें कर रही है या फिर पीठ पीछे गलत बातें नहीं कर रही, लाइक पहले वो गलत बोल देती थी कि वो तो ऐसी है, वो तो ऐसी। सिद्धार्थ शुक्ला को तो उठते उठते सुबह नाश्ते के टाइम पे गाली दिया था, वो ऐसा है, नीच है, गंदा है, घटिया है, गटर है, वो मर रहा हो तो भी मैं पानी नहीं दूंगी। और अभी ऑल ऑफ सडन इन 4 वीक्स मैंने बहुत से चेंजेस देखे हैं, शायद इंटरनल चेंजेस हो गया, शायद शो के लिए हो गया, व्हाटएवर इट इज, बट हम लोगों ने देखा है पीठ पीछे बातें करते हुए। यू कैन कॉल इट डरपोक। डरपोक मैं कब बोलूंगी डरपोक, यू नो, लाइक उसको कोई सपोर्ट जब नहीं रहता है और वो एकदम सहम जाती है, उस चीज को मैं बोल सकती हूँ डरपोक। क्योंकि मैंने बहुत से बार देखा है जब उनकी टीम, जो सिद्धार्थ शुक्ला बोलते हैं वो सच है, कि जब रश्मि की टीम छोटी हो जाती है एंड तब वो ऐसे एकदम सहम हो जाती है, और जब टीम बहुत बढ़ जाती है या बहुत से लोग आ जाते हैं या कोई सपोर्ट सिस्टम आ जाता है तो एकदम करके वो आ जाती है। जैसे मैंने देखा था अरहान के आते ही वो चाय पत्ती के ऊपर भी इतना झगड़ा, सुबह सुबह से वो एकदम अलग ही एटीट्यूड में चल रही थी। तो होता है ऐसे, पीठ पीछे करने वाली बातों का सीन्स भी दिखाया गया है आज। तो उसके बाद अरहान के भी बहुत सी बातें दिखाई दी गई है। उनको ये कहा गया है कि अरहान के जाने के बाद आप चुप रहने लगी, वही मैंने बातें बोली। उन्होंने कहा कि मैं उलझ गई थी, मेरा मन नहीं किया ऐसे, ओवरनाइट तो सब कुछ बदल नहीं सकती, प्यार करती थी। तो उनका ये कहना है, बहुत से लोगों का ऐसा होता है कि एक दिन में यू कांट टेक अ डिसीजन, बट मेरा ये कहना है कि अगर जब आपको एकदम धक्का बैठ जाता है ना, लाइक आप तो अभी बोल रहे हो कि आपको मैरिज के भी बारे में पता नहीं था, जबकि मैंने खुद वो पीछे एकदम एपिसोड में गई, मैं ये सीन्स दिखाने के भी पहले मैं गई थी वो एपिसोड में, मैंने देखा कि द मैरिज द चाइल्ड, तो ये दो अलग एक्सप्रेशन थे, द मैरिज द चाइल्ड। तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि मैरिज के बारे में पता है, चाइल्ड के बारे में नहीं पता है। जबकि अरहान बाहर आके बोल रहे थे कि मेरे इमेज के साथ खेला गया, मैंने उनके इंटरव्यू पढ़े, उन्होंने कहा कि रश्मि अगर चाहती तो वो वहां पे ही सबके सामने क्लियर कर देती। और मतलब अभी अरहान का प्रोफेशनल लाइफ में भी इफेक्ट हो सकता है इस चीज का, तो उन्होंने ऐसा कहा कि अगर रश्मि चाहती तो वो वहीं पे क्लियर कर सकती थी, बट रश्मि ने नहीं किया, रश्मि ने चुप बैठी, रश्मि ने कुछ बोला नहीं, तो मेरे को कोई क्लियर करने का चांस नहीं मिला, ऐसा अरहान का कहना था। तो अरहान ने बहुत से इंटरव्यूज बाहर आके तो दिए हैं, और तो और वो हिमांशी से मिले। हाँ, मैं पहले ओवरनाइट वाली बातें करूंगी कि ओवरनाइट फीलिंग्स चेंज नहीं होती, बट ओवरनाइट फीलिंग्स डेवलप भी होती है और ओवरनाइट फीलिंग्स डिस्ट्रॉय भी होती है। मैंने बहुत से बार देखा है, जैसे कि आपको अगर किसी चीज से बहुत बड़ा धक्का बैठा हो, जैसे कि शादी एंड बच्चे इज नॉट अ स्मॉल थिंग, और ये इतनी बड़ी चीज है और इससे मतलब कोई भी लड़की ऐसा रिएक्ट करती, बहुत बड़ा धक्का बैठता उनको, एंड उस पर आप बहुत नॉर्मल रिएक्ट कर रहे हो, आफ्टर सम टाइम आप जाके अरहान को प्रपोज कर रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी बात है कि मुझे तक ऐसा कभी फील नहीं हुआ, मेरे को तो हमेशा ऐसा हुआ, मेरे साथ हमेशा वैसा हुआ, एंड ऑल ऑफ सडन आप जाके प्रपोज कर रहे हो तो ऑडियंस भी नहीं ले सकती है। और तब एक पॉइंट था जब लोगों को रश्मि फेक भी लगने लगी थी,
तो देर इज अ रीजन ना, इस वजह से ही लगती होगी. तो उन्होंने डाल दिया आसिम पे कि आसिम ने बोल दिया था कि आप बताओ कि इसके आने के बाद क्या चेंजेस आए आपके लाइफ में वगैरह वगैरह. उसके पहले मैं बात करूंगी, रश्मि ने और एक रीजन दिया था कि अगर मैं इस टॉपिक पे झगड़ा करती या कुछ बोलती या कुछ करती, जबकि उन्होंने कोशिश की, उन्होंने कहा बट कैमराज थे, बहुत सी चीजें थी, इसलिए मैंने नहीं किया, मैं बाहर जाके करने वाली थी. ओके बट उन्होंने ये बात भी बोली कि घर वाले फिर अरहान पे चढ़ जाते, मतलब अरहान के ऊपर एलिगेशंस लगाते, अरहान को कुछ बोलते, इसलिए वो ना हो, इसलिए रश्मि ने वो बातें वहीं पे दबा दी थी, ऐसे रश्मि का कहना है. बट जबकि हम लोगों ने देखा घर वाले कोई भी नहीं घुस रहे थे, सिर्फ आरती थी जिसको बहुत गुस्सा, अभी भी उसको गुस्सा आता है, वो गुस्सा दिखाती कि थैंक गॉड आराम नहीं आया, थैंक गॉड आपने नहीं भेजा, थैंक गॉड आपने ये नहीं किया. बट मैंने नहीं देखा घर वालों को बोलते हुए. तो दिस रीजन इज ऑल्सो मेरे तरफ से डिश, डिश, डिश. और फिर मैं दूसरा बात करूंगी कि आसिम ने बोला था कि आप बताओ आपको कैसे फील होता है अरहान आने के बाद, आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आए हैं, एंड ऑल ऑफ सडन आप इतने लवी डवी हो जाते हो, आप प्रपोज कर देते हो, आप ये कर देते हो. मैं तो बोल रही हूँ कोई मार के भी बोले ना कि लव यू बोल, या जबरदस्ती भी करे, आपके मुंह से नहीं निकलता है. वेन यू आर नॉट इन दैट मूड ना, यू आर नॉट इन दैट मूड, लाइक एटलीस्ट आई एम लाइक दैट, कि मेरे को नहीं बोलना है भाई अभी, मैं नहीं कर सकती हूँ अभी, तो आप फोर्स क्यों कर रहे हो. तो वहां पे ही नॉर्मल रिलेशनशिप में भी अगर झगड़ा होना तो ऐसे इतना जल्दी सॉल्व नहीं होता, और ये तो झगड़ा नहीं था, ये बहुत बड़ा ऐसा पहाड़ टूट पड़ा है. एंड रश्मि इज लाइक कि आसिम ने बोला है. मैं अगर एग्जांपल दूं तो आज के एपिसोड में भी आपने देखा शहनाज मार रही थी सिद्धार्थ शुक्ला को, मतलब प्यार से ही जो कुछ भी हो, कि तू आई लव यू बोल, पर सिद्धार्थ शुक्ला नहीं बोलते, क्योंकि उनको पता है वो आई लव यू का मीनिंग कितना डीप होता है, उसको कितना हम लोगों को रखना पड़ता है बाहर आके भी, और बहुत सी चीजें. और रश्मि जितना वो बोलती कि मैं बहुत सुलझी हुई हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं बहुत ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, तो फिर रश्मि ने कैसे नहीं सोचा इस बारे में. मैं ये सोच रही हूँ कि मैं आई लव यू बोल रही हूँ, मैं प्रपोज कर रही हूँ, और वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा, ये रश्मि ने सोचना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा है. आसिम कितना भी जिद पे अड़ जाए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए. ताओ और वो उन्होंने जो इनकी बात कही, ऑस्ट्रोलॉजर की बात की थी, तो और एक चीज मुझे थोड़ी सी झूठ लग रही रश्मि की, कि हम लोग यहाँ पे आए, अरहान और रश्मि यहाँ पे आए, उनको यहाँ पे रियलाइज हुआ कि वो प्यार करते दोनों एक दूसरे के, जबकि अरहान बहुत कम रहे इस घर के अंदर. और दूसरी चीज, एस्ट्रोलॉजर के पास आप गए हो, आप एस्ट्रोलॉजर के पास आप दोनों अगर जा रहे हो तो कुछ पर्सनल रीजन की वजह से ही गए होगे, और वहां पे आप कह रहे हो कि आप दोनों रिलेशन में नहीं थे. मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये दोनों बाहर से रिलेशनशिप में थे, ये सब अंदर आके प्रपोज करना मेरे को यहाँ पे फील हुआ या यहाँ पे प्रपोज किया, ये सब ड्रामा लगता है मुझे. हाँ पर रश्मि का रिएक्शन जो अभी था अरहान को लेके, वो बराबर था कि उसने हिमांशी के पास रोने की क्या जरूरत थी, ये बोलने की क्या जरूरत थी कि मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि ये लड़की तेरे लिए सही नहीं है. अगर ये लड़की सही नहीं है तो वो घर के अंदर ही आपकी पूरी वाट लगा सकती थी. आप जाने के बाद उन्होंने वो एक बार टॉपिक नहीं निकाला, कुछ नहीं किया, शी शुड ऑलवेज इग्नोर के ऐसे बोलो मत, मेरे को नहीं सुनना, ये मत करो, मुझे नहीं करना, तो उसको थोड़ा रिस्पेक्ट करते इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मेरे दोस्त बोलते कि ये लड़की तेरे लिए सही नहीं है, या फिर यहाँ वहां जाके रोना. हिमांशी जिसको आप सिर्फ 5 वीक से पहचानते हो, एंड रश्मि को आप काफी टाइम से पहचानते हो, और किसी और के पास जाके रोना इस, मुझे भी लगता है कि इज नॉट डन. तो इसलिए रश्मि ने एक डिसीजन लिया कि मेरे तरफ से ये नहीं है करके. दूसरा ये था, कंफ्यूज्ड है वो, क्योंकि रिश्तों को कौन अपना कौन पराया उनको समझ में नहीं आता. यहाँ पे सिद्धार्थ के ऊपर आया डायरेक्टली क्वेश्चन. देखो सिद्धार्थ और रश्मि अभी बहुत अच्छे टर्म्स में रहते हैं एक दूसरे के साथ, बट बिग बॉस से वो देखा नहीं गया. मैंने बोला ना पेट में गुड़ू गुड़ू, वही हुआ है. तो कभी प्यार, कभी गुस्सा, कभी नफरत दिखा देते हो. तो रश्मि वहां पे कहती है कि मेरे दिल का उनके दिल से बहुत ही गहरा रिश्ता है. हो सकता है ना बाहर से कुछ होगा बिकॉज ऑफ विच वो होगा. और आरती का फोन कॉल का भी आज रश्मि ने बोल दिया है, अभी सिद्धार्थ शुक्ला शायद कल बोलेंगे, क्योंकि वो वहीं पे थोड़े उछल रहे थे कि मुझे कुछ बोलना है. बट सिद्धार्थ शुक्ला ने अगर फोन भी किया होगा तो इट वॉज सॉरी, और जो भी गिले शिकवे है वो यहीं पे खत्म कर देंगे. और रश्मि को ऐसा लगता है कि वो बहुत कंट्रोल फ्रीक है, और उनको घुटन महसूस होती है. कंट्रोल फ्रीक मतलब हम लोगों ने भी घर के अंदर सिद्धार्थ शुक्ला को देखा है कि वो अपने दोस्तों को लेके बहुत प्रोटेक्टिव है, और इसलिए उनको अगर पता हो कि ये उसके लिए सही नहीं है तो वो उसको एकदम जी जान लगा के, चाहे वो गुस्सा करके ही बता दे, बट वो बोलते कि इससे दूर रहे, ये मत कर, वो मत कर. तो शायद ये रश्मि को पसंद नहीं आता होगा, क्योंकि देखो सबका अलग अलग नेचर होता है. शायद रश्मि को ऐसा लगता होगा कि नहीं, मेरे को यही करना है, मेरे को यही करना है, मैं यही करूंगी. लाइक मैं अगर बोल दूँ शहनाज की जैसा हो सकता है,
तो ये सारी बातें हैं। तो कुकिंग के ऊपर भी उनको ताना पड़ा है थोड़ा सा। फिर पारस छाबड़ा की बात करूं तो मुझे खुद को लस खेल में आने खत्म होने से पहले उन्होंने मैदान छोड़ दिया। हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, कहीं ना कहीं प्यार में वो बहुत ज्यादा पागल हो गए। वो माहिरा के सिवा उनको कुछ नहीं दिख रहा, जबकि पहले मुझे ऐसा लगता था कि इसकी गेम है माहिरा शहनाज। माहिरा शहनाज जब वो करते थे, मतलब क्या बोलते, शहनाज को पीठ पीछे जाके बराबर से वो हक करते थे, अपने में ले लेते थे गेम के लिए वगैरह, तब तक मुझे लगता था कि वो गेम है, उनका पूरा ओवरऑल गेम है, किसी के साथ ऐसे कुछ इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। बट आगे जाते जाते इतना तो समझ में आ गया कि उनकी माहिरा के साथ फीलिंग्स है, क्योंकि माहिरा के साथ रहते रहते उनका गेम बिगड़ रहा है, उनको फर्क भी नहीं पड़ रहा है उस चीज से। वो खुद ही बोल रहे हैं मैं अभी बहुत लाइट ले रहा हूँ, वो हो गए साइड हीरो, कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला को सरेंडर किया ऐसे वो पारस का कहना है। बट पारस इज इन वेरी गुड टर्म्स विद सिद्धार्थ शुक्ला और उन्होंने दोस्ती रखी है। मतलब मैं अगर देखूं तो उल्टा पारस ने बहुत दोस्ती रखी। पारस को पता है जब सिद्धार्थ शुक्ला इज एंग्री तब वो शांत बैठता है। मतलब एक बोलते ना दोस्ती का ये रहता है कि व्हेन ही इज एंग्री मैं शांत बैठूंगी, व्हेन आई एम एंग्री वो समझ के लेगा। तो ये बोथ साइड्स होता है जो मैंने आसिम और सिद्धार्थ शुक्ला में भी स्टार्टिंग में देखा। व्हेन आसिम यूज टू गेट एंग्री, सिद्धार्थ शुक्ला यूज टू मेक हिम अंडरस्टैंड, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। आकांक्षा का क्या होगा, तो उन्होंने कहा वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, उनको वो चीजें क्लियर करनी थी सलमान सर के सामने, जो पूरी दुनिया अभी सोच रही है उनके बारे में कि ये पैसे लेता है या जो कुछ भी। तो पारस का कहना है कि मैंने इतने इतने मैंने काम किया, मैंने कमाया, मैंने लिया, ये बीच में का काम करती है, मैंने नहीं बोला था। जबकि यू शुड हैव अप्रिशिएटेड, मैं हमेशा से बोलती हूँ कि आप अप्रिशिएट करो कि ये मेरे लिए टाइम निकाल के डिजाइनर के पास जाके चेक करती थी और फिर मुझे बेचती थी। और परफ्यूम कुछ 10K होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, बट यू नो वॉट, मनी डजेंट मैटर। मुझे ऐसा लगता है वहां पे दिया है कुछ उसने, लेट इट बी ऑफ 100 rupees 500 rupees, बट अप्रिशिएट करना चाहिए कभी भी। वो 10K के होंगे और शूज तो उन्होंने खुद डाले थे अभी आकांक्षा ने इंस्टाग्राम पे, कि उन्होंने कुछ तो महंगे ही शूज दिए थे, मैं भूल गई अभी प्राइस उसका, बट रेड कलर के शूज वो भेजने वाली थी पारस के लिए। और वो रेंट वेंट का भी बहुत से सवाल निकले थे कि हाँ आकांक्षा रेंट पे करे, और पारस का ऐसा कहना था कि मैं बाहर जाके दे दूंगा। तो यहाँ पे क्लियरली एहसान फरामोश के टाइप का होता है। बट अगर आपका रिलेशन इतना खराब है और आप उसको नहीं कंटिन्यू करना चाहते हो तो ऐसे टीवी पे नहीं बोलना चाहिए, मुझे बस ऐसे लगता है। और अगर आकांक्षा इतना सब कुछ कर रही है तो उन्होंने भी नहीं जताना चाहिए, ये भी लगता है मुझे। जरीवाला के ऊपर एक लगा उनको कि आप दूसरों के रिलेशन पे बोलते हो बट और लड़कियों को डिफेम करते हो। तो जरीवाला के बारे में उन्होंने बोला कि वो मैरिड है और फिर वो आसिम के साथ ऐसा बैठती थी, मुझे गलत लगता था। जबकि तब भी मैंने बोला था कि किसी को हक नहीं है ऐसा बोलने का किसी के ऊपर कि वो किसके ब्लैंकेट में किसको किस करे। मैंने मेरे रिव्यू में आपने कभी भी नहीं देखा होगा, इवन आपको लगता होगा कि सिद्धार्थ शुक्ला की फैन है इसलिए सिडनास की बात नहीं कर रही। इवन सिडनास होने के पहले, सिडनास जब एक साथ सोते थे उसके पहले भी माहिर और पारस एक साथ रहते थे एकदम कंटिन्यू चिपक फिपक के वगैरह, या फिर कोई भी कपल पकड़ो इसके अंदर रहते हैं, पप्पिया फप्पिया लेते हैं, बट मेरे रिव्यू में आपने कभी नहीं सुना होगा। क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि किसी लड़की का कैरेक्टर ऐसा ऐसे नहीं टाइप ऑफ हम बोल रहे हैं। और कुछ दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हो रहा था सिद्धार्थ शुक्ला एंड शहनाज का, जो कि बहुत ही खराब था। मेरे को ऐसे लग रहा है कि आप किसी का बहुत ही गंदा कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो यहाँ पे। आप जिस किसी के भी फैंस हो ये घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए थी। जब ओरिजिनल वीडियो इज वेरी डिफरेंट, आपने एडिट किया था, वो काफी जमीन आसमान का फर्क है। एंड मेरे को कहीं ना कहीं अंदर से ट्रस्ट था कि ये लोग ऐसा नहीं करेंगे। मतलब वो वीडियो मैंने मेरे को जब टैग किया था तब भी मुझे लगा था ये हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता करके। देयर इज अ माइनर वॉइस स्पीकिंग विथ मी, सिर्फ उन दोनों के बारे में नहीं, मैं किसी के भी बारे में घर में बोल सकती हूँ कि ऐसे इतने घटिया हरकत कोई नहीं करेगा। और जो स्टार्स हो ना ऑलरेडी, वो लोग तो कभी सोचेंगे नहीं ऐसा करने के बारे में। तो दिस इज द वर्स्ट थिंग एनीबडी कुड एवर डू। तो इसलिए मैं कभी किसी लड़की के कैरेक्टर के बारे, जरीवाला के बारे में भी पारस ने जब बोला था तब मैंने पारस को ही बोला था कि सबसे घटिया बात पारस ने की है। और पारस बोलते बोलते बहुत सी चीजें बोल देते हैं और खुद बोलते हैं कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ इसलिए मैं ऐसे बातें करता हूँ, तो ये सारी बातें नहीं बोलनी थी। वो खुद बोलते कि मेरी सोच ऐसी है, मुझे ऐसा लगता है मेरी सोच थोड़ी सी ऐसी है करके। तो शहनाज के बारे में भी उन्होंने कहा था कि ये मेरे करीब आने की कोशिश करते, तब मैंने उनको टैटू दिखाया। तो रजत सर ने पूछा कि आपने ये टैटू माहिरा को नहीं दिखाया क्या? तो माहिरा इज अ फ्रेंड, उनका कहना है। हाँ शहनाज कुछ अलग तरीके से फील करने लगी थी पारस को, तो उनको लगता है कि माहिरा ज़्यादा समझदार है वगैरह वगैरह। आसिम रियाज पे ब्लेम आए फिर बहुत सारे। पहला था कि आपको बात बात पे गुस्सा आता है, हम लोगों ने भी देखा है
कोई बात, जैसे मैं बोल रही हूँ एक नल्ला, नल्ला बोलने पे वो वहां से यहां तक भागते हुए आया, क्या बोला क्या बोला क्या बोला क्या बोला क्या बोला, लाइक आई रियली डोंट अंडरस्टैंड समटाइम्स देयर इज नो रीजन टू फाइट. और आसिम इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं जो कि जरूरी नहीं था. गुस्सा बात बात पे आता है, बहुत से लोगों को घर में आया था, बट मैं आसिम की बात कर रही हूँ ना अभी, तो आसिम की बात करूंगी. तो उसके ऊपर आसिम ने बोला कि ये मेरा कंट्रोल्ड गुस्सा है करके. तो रजत शर्मा जी खुद ही बोलते हैं अगर ये कंट्रोल है तो फिर रियल वाला कैसा होगा. तो राइट, उस पर वर्क करना चाहिए क्योंकि बाहर आने के बाद है ना, बाहर की वर्ल्ड ज्यादा डिफरेंट होती है. दैट्स व्हाई लोगों ने आपको बस एक बार मुस्कुराते हुए देखा है और एक बार शर्माते हुए. मुस्कुराते हुए वो कॉमेडी टास्क में, शर्माते हुए जब हिमांशी आई थी. तो यस एग्जैक्टली, द मोर यू एक्सप्रेस ना उतना लोगों तक ज्यादा पहुंच पाते हो आप. मुझे पता है इनको अंडरडॉग कहा गया है आज, बट मुझे ऐसा लगता है अंडरडॉग नहीं है वो, क्योंकि वो एक भी मौका नहीं छोड़ते हीरो बनने का, इसलिए लोग उनको बाहर चाहते हैं बहुत से लोग. बट यस, क्यों और भी एक्सप्रेशंस, मतलब क्यों सपोर्ट करना चाहिए आपको किसी ने, उसके लिए आप और भी ज्यादा पॉइंट्स देने चाहिए. नॉट ओनली बीइंग हैंडसम और एनीथिंग इज नॉट जस्ट अ पॉइंट, यू शुड गिव सम मोर रीजंस. आसिम के भी बहुत से सारे सीन्स दिखाए जहाँ पे वो गुस्सा हुए थे. पारस के साथ वाला फाइट तो मैं भूल नहीं सकती, वो बहुत डेंजरस था. उसमें सिद्धार्थ शुक्ला बीच में आए थे, आसिम को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया था. बहुत से लोग वो भूल गए, वो लोग सिर्फ इतना याद रख रहे कि सिद्धार्थ शुक्ला को आसिम ने कितना कंट्रोल किया था. ऐसे आसिम खुद भी बार बार वही सीन रिपीट करते हैं, बट सिद्धार्थ शुक्ला ने कभी बोल के नहीं दिखाया इस बारे में. तो खुद आसिम अपने सीन्स देख के बोले कि मैं और नहीं देख सकता. तो रजत शर्मा जी बोले कि हाँ, तो ऑडियंस आप ऑडियंस को देखने के लिए रखे हो ये सारी चीज़ें. तो ये सारी बातें हुई, उन्होंने बोला पारस में से पर्सनल गया था. तो रजत शर्मा जी ने बोला आप भी गए पर्सनल, आप तो सिद्धार्थ शुक्ला जी के बाप पे गए थे. तो बाप की बात अगर ना ही करो, क्योंकि बहुत से चेंजेस आए हैं बाद में, दोनों ने नहीं किए हैं. मैं बोल रही नहीं, लोग कुरेद रहे हैं वो सारी बातें. तो उन्होंने, रजत शर्मा जी ने कहा कि शुक्ला जी ना अगर कुएं में खुद ही मारे तो आप भी मारोगे, ऐसा थोड़ी ना है. तो आसिम ने बहुत बड़ी बात की कि अगर सिद्धार्थ शुक्ला या पारस मुझे बाहर मिलते तो मैं कभी इनकी शक्ल नहीं देखता, ये मुझे नीचा दिखाते रहे, इन्हीं की सुननी पड़ रही थी मुझे, सिद्धार्थ शुक्ला की, ऐसा उनका कहना है. गिले शिकवे हैं हमारे मन में. तो उनको पूछा गया कि आपने गेम के लिए दोस्ती तोड़ी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, टू वे फ्रेंडशिप होती है. तो हमारे तरफ से सिर्फ मुझे सुनना पड़ता था, सिर्फ मुझे एडजस्ट करना पड़ता था, तो पारस और सिद्धार्थ शुक्ला में ऐसा नहीं है, टू वे है वो. तो मैंने पहले ही बोल दिया कि पारस एंड सिद्धार्थ शुक्ला में टू वे, मतलब मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जब एक गुस्सा होता है ना तो दूसरा शांत होता है, और जब पारस भी बहुत शांति से सुनता है सिद्धार्थ शुक्ला की. जैसे कि सिद्धार्थ शुक्ला ने उनको समझाया कि आपकी टोन खराब है, तो वहां पे पारस ने सुन के लिया, हाँ मेरी टोन खराब है या जो कुछ भी. पारस है उसको बोल काम करने बोल, जैसे आसिम करने लगा था, उसको काम करने बोला, सिद्धार्थ को काम करने, वो काम के ऊपर से ही झगड़ा होने लगा था बाद में एक्चुअली. और वहां पे सिद्धार्थ शुक्ला ने फिर भी बहुत सारी बेबी सिटिंग की है, मैंने देखा है बहुत से बार, तो ये तो बात है. बट यहाँ पे मैं बोली ना, आप झगड़ा खत्म नहीं करते, ऐसा रजत शर्मा ने कहा. तो उनका कहना था कि स्टैंड ले रहा था मैं, कोई अपनी ना सुने तो हम क्या करेंगे. बट हम लोगों ने भी बहुत बार देखा है आसिम बहुत खींचता है झगड़ा, बहुत ज्यादा. मैं इसमें क्या, रिश्ते में आग की बात करो तो हाँ, जैसे ही हिमांशी आई थी उस दिन हर जगह यही बोल बाला था कि देखा, हिमांशी आने के बाद आसिम सिद्धार्थ शुक्ला को जाके बोल रहे थे कि सना के साथ बात मत कर, ऐसे थोड़ी ना दोस्त होते, ऐसा थोड़ी ना होता. वो तब भी हुआ था. और शहनाज के बारे में ही 2-3 सीन्स दिखाया. तो उनका ये कहना था कि कभी आसिम का कहना है कि आप स्टार हो इसलिए शहनाज आपके पास आती, मेरे पास क्यों नहीं आती, ये सारी बातें हो गई थी. तो वो वाली है. ये भी बात हुई थी कि मेकअप आर्टिस्ट ने बोला था, ऐसे पारस ने बताया था आसिम को कि शहनाज के मेकअप आर्टिस्ट ने बोला था कि जाके सिद्धार्थ शुक्ला के साथ कपल बन जा और अब फायदे में होगा. बट शहनाज बोली मैंने ऐसा नहीं बोला, पारस बोला मैंने सिद्धार्थ शुक्ला का नाम नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ बोला कि प्यार हो जाए तो अच्छा है, जेन्युइनली तो कंटिन्यू करोगे, मैं ऐसे मेकअप आर्टिस्ट ने बोला. तो यहाँ पे मेरे को एक्चुअल में पता नहीं किसने क्या बोला, बट अगर नाटक के लिए हो तो ये बेकार है. फिर हिमांशी और रश्मि के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स अभी बीच में हुई थी वो हिमांशी के साइड में थे, वो रश्मि पे चढ़ रहे थे आसिम, हम लोगों ने क्लियरली देखा. ओके, तो वहां पे वो बोलने नहीं दे रहे थे हिमांशी को भी नहीं. हिमांशी सॉरी बोल रही थी तो इनको गुस्सा आ रहा था कि सॉरी बोलने की क्या जरूरत है, एक बार बोल दिया ना तो फिर और क्या बोलने की जरूरत है. तो विच वॉज वेरी रॉन्ग. और आप खुद भी सिर्फ अपनी, दूसरों की भी सुनो. उनका ये कहना, उल्टा रजत शर्मा ने बोला कि आप सिर्फ अपने ही बोलते रहते हो, आप दूसरों की भी सुनो. इतने देर तक जो
आसिम बोल रहे थे ना कि मेरे तो कोई सुनता नहीं था। देखो रजत शर्मा जी ने खुद कहा कि आप मुझे बोलने नहीं देते हो, आप मेरी कब सुनोगे, आप मेरी नहीं सुन रहे हो, मुझे ही बोलने नहीं दे रहे हो, आप दूसरों की कब सुनोगे। ऐसा उनका कहना, उनका ये कहना कि आप सिंपथी कार्ड इमोशनल नया है, मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसा गेम खेलते हो। तो ये थ्रू आउट अगर आपने देखा अभी तक, जो भी एक्सप्लेनेशन आंसर्स थे वो इधर ही आके खत्म हो जाते। उन्होंने अभी तक यही कार्ड खेला है कि मैं 8 साल से अकेला रहता हूँ, इसलिए मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरे को नीचा दिखाया गया, मेरा किसी ने नहीं सुना है, मेरे फैमिली पे गए या मेरे को इतना ऐसा किया, मेरे को तंग किया, मेरे को ये किया वो किया। तो यहाँ पे समझ में आता है कि थोड़ा सा इमोशनल कार्ड तो वो खेलते। फिर सिद्धार्थ शुक्ला पे था एरोगेंट वाला, तो एरोगेंट हाँ मैं बोलूंगी कि उन्होंने हाँ किया है एरोगेंसी वाली काम भी, बातें भी, बट उसके पीछे ना कोई बहुत से रीजंस होते हैं। जैसे कि उन्होंने वापस एक बार आए हैं इसी टॉपिक पे कि आप फेमस हो गए तो आप लोगों को नीचा दिखा रहे हो। तो सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा नीचा नहीं दिखा रहा है वो, सिचुएशंस वैसे, मैं तो कह रही हूँ वो रियल है, वो जैसे बाहर है वैसे वो अंदर हो गए, वो जैसे है वो थ्रू आउट रियल है, इस वजह से उनसे ज्यादा कनेक्ट हो पा रहा है। तो ऐसी लड़की औकात इज नॉट एंटरटेनमेंट ओवर हियर, ऐसी लड़की का एक्सप्लेनेशन खुद सिद्धार्थ शुक्ला ने दिया। मेरा एक वीडियो उसमें भी मैंने बोला था कि उनका कहना था कि जब रश्मि ने बोला था कि तेरे घर में होता होगा ऐसे, तो बोला मेरे घर में ऐसी लड़की नहीं है। तो ऐसी लड़की का मतलब कैसे, वहां से वो चालू हुआ था, जैसे उन्होंने क्रॉप कर दिया कुछ स्टेटमेंट्स और वो वहां से लेके गए, और औकात का आवाज की औकात था। तो वो कैसे है? वो स्टेटमेंट्स को चेंज करते करते करते, क्योंकि वो सिद्धार्थ शुक्ला है, बहुत से लोग बाहर हेट करते, तो वो स्टेटमेंट को चेंज करेंगे, बहुत सी बातें बोलेंगे। सीन्स दिखाई दिए गए जहाँ पे वो बहुत ज्यादा एरोगेंट थे, ये पुराने सीन्स थे बहुत से, बीच में वाले भी सीन्स थे कुरेद कुरेद के निकाल रहे, माई वे और हाई वे। तो उन्होंने कहा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं हमेशा देखता हूँ, मैं मेरे टीम में भी पहले सबकी सुनता हूँ और फिर एक सुझाव देता हूँ। खुद आरती ने कहा कि हम सब सिड की सुनते हैं क्योंकि वो बहुत लॉजिकल है और वो बहुत अच्छे से सुझाव देते हैं। तो अगर आसिम लीडर हो तो आप सुनोगे। तो सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा उसको खुद गेम नहीं समझ में आती, वो खुद आके पूछते हैं। तो इसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, जब कभी भी टास्क होता है तो आसिम खुद आके पूछता था सिद्धार्थ, मतलब इन दोनों को अगर बिग बॉस ने एक टीम में डाला तो आसिम करके जितना सिद्धार्थ शुक्ला बोलते थे, अभी झगड़ा होने के बाद अभी की बातें हैं या फिर वो कुरकुरे वाले टास्क की बातें करो, जो सिद्धार्थ शुक्ला बोलते थे आसिम वैसा ही टास्क करते थे। तो यहाँ पे आसिम खुद भी मानना चाहिए एक्चुअली कि सिद्धार्थ शुक्ला लॉजिकल है इसलिए हम सुनते हैं, बट आसिम नहीं मानेंगे वो बात। पर मैंने देखा है 8 बार सिद्धार्थ शुक्ला ने धक्का दिया है वो उन्होंने बताया, बट नज के बारे में उन्होंने एक भी बार टॉपिक नहीं निकाला, या फिर आसिम ने जो हेड से मारा था वो नहीं निकाला। और ये भी कहा गया है कि आसिम के और भी डबल गुस्से वाले जो सीन से वो एडिटेड है, वो कट कर दिए है बिग बॉस ने, मतलब आप ही समझ लो कि किसके लिए कौन बायस्ड है क्या है। वैसे देखा जाए तो वैसे कोई ब्लेम नहीं करता, बट फिर भी मैं बोल रही हूँ कि वैसे देखा जाए तो फिर बायस कौन है? सिद्धार्थ शुक्ला का धक्का दिखाया कितने बार, आसिम का नहीं दिखाया। आसिम के धक्के पे कोई सवाल भी नहीं था, नज पे भी सवाल नहीं था, प्रोवोकेशन पे भी सवाल नहीं था, ये बात है। सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा मेरा इमोशनल बॉन्डिंग अगर इस घर में किसी के साथ था वो सबसे ज्यादा आसिम के साथ था। वो हम लोगों ने भी देखा जब इन दोनों का सेपरेशन हुआ, सिद्धार्थ शुक्ला वॉज वेरी सैड, वेरी सैड। वो आरती के साथ बात कर रहे थे सारे सेपरेशन के बारे में, वहां पे बाहर आसिम बैठ के कुछ और ही प्लानिंग कर रहे थे, कैसे प्रोवोक करना है, मैं तो हाथ पीछे रखूंगा और ये पागल हो जाएगा, मुझे इसकी वीक पॉइंट पता है। वहां से समझ में आता है कि ये सिर्फ दोस्त बन के साथ रह के वीकनेस समझ लिया और वो अभी उसके पीछे पड़ जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने उसको एक बेबी सिटिंग की, बहुत सी बातें समझाई है, और अबू मलिक भी आपको यही बातें बोलेंगे कि हम लोग को कुछ नहीं पता था, उन्होंने हमको बहुत सी बातें गेम के बारे में समझाई है, बहुत समझाया हमको, और उसको लगता है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आता है करके। उसको आसिम को ऐसे लगता होगा कि ये कौन है मुझे ऑर्डर देने वाला है, इसलिए वो सेल्फ रिस्पेक्ट पे लेता है, ऐसा मुझे लगता है। हारना पसंद नहीं है सिद्धार्थ शुक्ला को, ऑफकोर्स किसी को नहीं पसंद होगा। उनका ये कहना है कि जहाँ पे बातें इतनी पॉइंटलेस होती है और उनके ऊपर उठाया जाता है सवाल, तो वहां पे वो क्यों हार माने, कोई भी कन्वर्सेशन में कोई भी नहीं मानेगा, ऐसा मुझे लगता है। सिद्धार्थ शुक्ला की एक बात मुझे बहुत पसंद आई कि रेस में अगर मैं अकेला भी भागता ना तो फुल स्पीड में भागता, मतलब यहाँ पे वो अपने आप से ही कॉम्पिटिशन करते हैं, मुझे ऐसे लोग पसंद आते हैं। स्नेक एंड लैडर वाले टाइम में भी उन्होंने दिया है, बट स्नेक एंड लैडर वाले टाइम का अगर मैं एक्सप्लेनेशन ना मांगते बैठू तो उस टास्क में हर कोई गलत था। मैं एक को भी मैं बोलूंगी नहीं कि ये सही गया, वो सिद्धार्थ डे भी गंदा बोला, मतलब हर एक पर्सन भी कोई भी सही नहीं था यहाँ पे। तो कल भी बहुत सी बातें होने वाली है, तो देखते हैं, मजा आएगा देखने में एक्चुअली।
बहुत इल्जाम लगाएंगे शहनाज के ऊपर भी बहुत सारे। मायरा का कुछ दिखाया नहीं अभी तक। वैसे मैं आती हूँ रोज बिग बॉस सिर्फ एपिसोड्स के साथ और काफी ज्यादा अलग अलग वीडियोस के साथ, बट आप मुझे बताओ कि और भी कौन से कंटेस्टेंट पे क्या क्या इल्जाम एक्चुअल में लगाने चाहते जो नहीं लगाया टीवी पे, मतलब जैसे आज जिन चार कंटेस्टेंट्स के हुए थे सिर्फ उनके बारे में। तो डू नॉट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी परत नहीं आलेज। हाँ बाय।